सब्सक्राइब कीजिए जीनस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस इंग्लिश चैनल। आज मैं डिमिनिटिव्स के बारे में इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूं, जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही वाइटल वीडियो है। आप इस वीडियो को बिगिनिंग टू एंड तक देखा करो, तभी आप इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस तरह का कोई वीडियो कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है। तो हम बिगिनिंग करेंगे। जैसे आपने बुकलेट का नाम सुना होगा, पैम्फलेट का नाम सुना होगा, लेकिन आपने जाना कभी कि ये बुकलेट क्या है, ये जो बुकलेट शब्द कहाँ से आया है? तो एक्चुअली जो बुक है, बुक के एंड में एलईटी लगाने से वह डिमिनिटिव्स बनता है। डिमिनिटिव्स का क्या मतलब होता है? डिमिनिटिव्स एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ स्मॉलनेस। तो इससे छोटापन का भाव होता है। किसी जो वर्ड है, कोई नाउन है, उसका जो स्मॉल फॉर्म होता है, लिटिल फॉर्म जो होता है, काफी पैटी फॉर्म जो होता है, वही डिमिनिटिव्स है। जैसे मैं बताऊं कि जो से बुक है एक पुस्तक, एक कॉमन बुक है, बड़ी भी है, हो सकती है, लेकिन हम जब बुकलेट बोलेंगे तो इससे स्मॉलनेस आइडिया का बोध होता है, यानी छोटी सी बुक, 20-25-30 पेज का मैक्सिमम हो सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने जॉट डाउन किया है। आप इसे नोट करें, वॉच करें, और हो सके तो डायरी में इम्पोर्टेंट है या नोट करना आपके लिए कंपलसरी है। तो हम बिगिनिंग करें। जैसे एंकल है, एंकल क्या होता है कि एंकल फुट और लेग के बीच में जो ज्वाइंट है उसे एंकल कहते हैं, और उसकी तो एंकलेट उससे बना है, यानी पाजेब जो लेडीज पहनती है वही एंकलेट है। उसी प्रकार आम है, आमलेट है, ये जो आमलेट है, यहाँ पहनने वाले जो पोशाक हैं, क्लॉथ्स हैं स्पेशल, वह आमलेट होता है, यानी छोटा सा पोशाक, ठीक है। कटलेट आप ऑलरेडी जानते हो, इसे एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रिवर से रिव्यूलेट है, छोटी सी नदी को हम रिव्यूलेट बोलते हैं, ठीक है गाइस। आप ये लर्न करना है कि जो ये डिमिनिटिव्स है या जो स्मॉल फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये एग से जो एगलेट बनता है, जो स्मॉल जो एग होता है वह एगलेट होता है। थोड़ा हम एडवांस लेवल पर ले लेते हैं, ये ऑमलेट होता है, OMELET, और इसमें सिंगल टी भी आता है। तो ये कंपलसरी है आपके लिए, स्पेलिंग भी आप नोट करें, ऑमलेट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो जो है अंडे को जब उसे लिक्विड निकाल कर उसको बीटन करके जब रोस्ट या फ्राई की जाती है तब ऑमलेट तैयार करते हैं होता है, ठीक है। उसी प्रकार छोटा अगर होमलेट है, ब्रुकलेट छोटा सा जल स्रोत है, या कोई दरिया है, या कोई पोंड है, तालाब है, तो वह ब्रुक कहलाता है। सिगार से हमने सिगरेट बनाया। देखो कितना आसानी ढंग से मैं आपको टीच करने जा रहा हूं। सिगार जो होता है, जो स्मोकिंग का जो बड़ा फॉर्म होता है वह सिगार होता है। पहले राजा महाराजा लोग सिगार पीते थे, उसमें हमने ET लगाया तो सिगरेट बना। तो क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सिगार, तो यानी सिगरेट जिसे आप धुआं उड़ाते हो, पीते हो। स्ट्रीम से स्ट्रीमलेट है, ये भी जल स्रोत का है, झरना टाइप या जलप्रपात टाइप का है। गूज दिया से डार्लिंग होता है, जिसे आप बहुत ही लव एफेक्शन है, आप चाहते हो जिसे। गूज से गौसलिंग बना, यानी बत्तख के जो बच्चे हैं। उसी प्रकार सकर से सकलिंग बना है। अब बुल से बुलॉक है, हिल से हिलॉक, छोटी पहाड़ी हिलॉक हम बोलते हैं। पाक से पैडॉक बोलते हैं, यानी जो आपके घर के सामने इन फ्रंट ऑफ योर हाउस जो पार्क है छोटा सा, जिसमें आप डेली वॉकिंग करते हो, वह पैडॉक कहलाता है। उसी प्रकार बॉल से बुलेट बना है। बुलेट क्या होता है कि किसी का प्राण भी हरण कर सकता है, तो बॉल बिगेस्ट फॉर्म है और बुलेट स्मॉल फॉर्म है उसी का, स्मॉलनेस बतलाता है। उसी प्रकार लॉक से लॉकेट लर्न करो। पैक से पैकेट बना है। टैबल से टैबलेट बना है।
टेबल बड़ा होता है, टैबलेट छोटा फॉर्म होता है, जैसे आप टैबलेट एक या दो आप खाते हो, ठीक है। एज ए मेडिसिन कैट से किटन, कैट का जो बच्चा है, किटन बच्चे हैं वो किटन है, कॉक का चिकन है, सैक का सैचल, छोटी सी जो बोरी होती है सैचल है, पोएट का पोएटेस्टर होता है, छोटा मोटा कोई कवि है जो थोड़ा राइमिंग स्कीम जानता है, या महफिल में या जो किसी कम्युनिटी में या हम कह सकते हैं कि सेमिनार में जो कविता सुनाता है, कविता गाता है, वह पोएटेस्टर होता है, पोएट बिग पोएट होता है, जैसे विलियम शेक्सपियर, तुलसीदास थे, कालिदास थे, ये सब बड़े पोएट हैं। उसी प्रकार पायल से पिल्लो बना है और मैन से मैनिकिन छोटा आदमी है, सिटी से सिटाडेल बना है, आप देखो बाय हार्ट लर्न करो, नर्स से नर्सलिंग बना है, डैम से डैमसेल, डॉग से डॉगी यानी छोटा कुत्ता। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक है गाइज, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरह का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।